अभी हम आए हुए हैं मोतिहारी जिला में, जो आप लोगों को पता ही है कि नल जल के में काम करने वाले जितने अनुरक्षक भाई है, 18 तारीख को मोतिहारी के डीएम साहब के जनता दरबार में सभी लोगों को आना था, और कई प्रखंड के लोगों जो है इस जनता दरबार में लोग पहुंचे हैं, डीएम साहब से मुलाकात भी किए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस जिला में जो लोग जो आए हैं किस किस प्रखंड से आए हैं, और आप लोग तो वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं कि कितने लोग आए हैं। इसके बाद का जो प्रोग्राम बनेगा वह फिर 15 दिन के बाद इसी मोतिहारी जिला में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पहुंचना है। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर जिला का भी प्रोग्राम बनेगा, इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। जो मुजफ्फरपुर का प्रोग्राम होगा वह प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम होगा, उस मीटिंग में जो है हमारे पंचायत मंत्री भी रहेंगे, और जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक जो है हम दम धरने वाले नहीं हैं, बैठने वाले नहीं हैं। चाहे बिहार के जिस जिस जिला में जिस जिस प्रखंड में जाना हो वहाँ वहाँ जाएंगे, और अधिकार दिलाकर ही हम दम लेंगे। चलिए जानते हैं किस किस प्रखंड से लोग यहाँ आए हुए हैं। आप किस प्रखंड से हैं? तेतरिया प्रखंड से हैं। कितने लोग आए हैं तेतरिया? हम लोग 30-35 आदमी है तेतरिया। आप किस प्रखंड से आए हैं? पहाड़पुर। कितने लोग आप लोग आए हैं यहाँ? हम तो नहीं गिना सकते, बहुत अंदाज 25 आदमी, 25 आदमी के आसपास आप आए हैं। चलिए, और भी किस किस प्रखंड से? आप किस प्रखंड से हैं? सर हम लोग फेराना प्रखंड से हैं। प्रखंड से जी, कितने लोग आए? 15 आदमी आए हैं सर। आप कहाँ से? पताही प्रखंड से। पताही प्रखंड से? आप किस प्रखंड से? पताही प्रखंड से हैं। आप किस प्रखंड से हैं? फेराना प्रखंड से। आप रामगढ़वा? रामगढ़वा से हैं। आप कहाँ से हैं? हम हरसिद्धि प्रखंड से हैं। हरसिद्धि से हैं। आप कहाँ से हैं? हम पताही से हैं। आप? पहाड़पुर से। आप कहाँ से हैं? पहाड़पुर से। आप? संग्रामपुर से। संग्रामपुर प्रखंड से आए हुए हैं। संग्रामपुर आर्यराज के नजदीक? आप संग्रामपुर से हैं ना? आप ये भी सर? अभी अभी संग्रामपुर से है तो तेतरिया प्रखंड। आप तेतरिया प्रखंड से आ गए? हरसिद्धि। हरसिद्धि से है। आप कहाँ से हैं? रक्सौल प्रखंड से। रक्सौल से भी लोग आए हैं? नेपाल के, इंडिया का सबसे लास्ट छोर, नेपाल के बॉर्डर पर से भी लोग यहाँ पहुँच गया हुआ है। तो यह मोतिहारी जो है जी, अच्छा ढाका से भी बहुत काफी प्रखंड के लोग पहुंचे हुए हैं। कहाँ से है? ढाका से। ढाका, ढाका से, चिरैया से भी लोग आए हैं। तो यह भाई मोतिहारी है, समझ लीजिए यहाँ से सत्याग्रह चालू हो चुका हुआ है। मोतिहारी के लोग अब मानने वाले नहीं है। यही मोतिहारी के लोग जो नल जल में काम करने वाले अनुरक्षक है, जब यहाँ से अधिकार जब मिलेगा तो पूरे बिहार के लोगों को अधिकार मिलेगा। अब सभी जिला के लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि सभी जिला के अनुरक्षक भाई जागिए, जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक अधिकार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों का राशि जो है बिहार सरकार ने 2018 से भेज रहा है, लेकिन वह राशि जो है घोटाला हो रहा है। और मोतिहारी जिला में जो डीएम साहब से बातचीत हुआ है, चलिए हम जानते हैं डीएम साहब क्या कहे हैं। आप डीएम साहब से बात करके आए हैं, क्या बोले हैं डीएम जी? बात किए हैं डीएम साहब से, डीएम साहब आदेश दिए हैं। पहले तो हम लोग डीएम साहब के जनता दरबार में गए थे, उनसे बात हुआ, उसके बाद हम लोग डीपीआरओ से बात किए। डीपीआरओ सर हम लोग के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को हम लोग के सामने में फोन पर बात किए, और दो दिन के अंदर में कहे जो अनुरक्षा का लंबित मानदेय का बकाया राशि है उसको 2 दिन के अंदर में लोग का भुगतान कराया जाए, और जिनके ज़मीन में नल जल का जल मीनार लगा हुआ है वही नल जल पंप अपने चालक रहेंगे। यही आदेश अभी हम लोग को मौखिक जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा दिया गया, और हमारे बीपीआरओ को भी बाई फोन ये आदेश दिया गया है, आप अपने स्तर से 2 दिन के अंदर में लेटर जारी करके सभी अनुरक्षक का मानदेय भुगतान करवाइए, और जिसके ज़मीन में नल जल का टावर लगा हुआ है वही नल जल का अनुरक्षक रहेंगे। ये आदेश अभी जिला जिसके जब बहुत खुशी वाली खबर मिला है कि जिसके जमीन में नल जल होगा वही जमीन वाला ही नल जल का मालिक होगा, वही अनुरक्षक होगा। बहुत खुशी की खबर है, बहुत ही इस जल्द इस तरह का लेटर निर्गत होने वाला है। आप लोग इंतजार कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जो अनुरक्षक भाई को अभी तक जानकारी नहीं हो पाया है उनको भी जानकारी भेजने की कोशिश कीजिए। आप भी गए थे डीएम साहब के यहाँ, क्या बोले हैं डीएम साहब आपको? डीएम साहब बोले हुए हैं कि जो हम लेटर जारी कर दिए हैं पहले अच्छा आप लोग नहीं मिला हुआ है, ठीक है 15 दिन के अंदर अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास क्या नहीं मिलेगा? पैसा जी। क्या बोले कि 15 दिन के अंदर में पैसा मिल जाएगा? हाँ 15 दिन के अंदर अगर नहीं मिलेगा तो आइएगा, अगर मिल जाएगा तो आप लोग ठीक से चलाइएगा। तो मोतिहारी के डीएम साहब बोले हैं कि 15 दिन के अंदर में सभी अनुरक्षक को पैसा मिल जाएगा,
अगर 15 दिन के अंदर में पैसा नहीं मिलता है तो फिर इसी जनता दरबार में डीएम साहब को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग पहुंचिए और यूट्यूब के माध्यम से ही जानकारी आपको फिक्स कर दिया जाएगा, डेट भी दे दिया जाएगा कि 15 दिन के बाद कितने तारीख को आप लोगों को मोतिहारी जिला के डीएम साहब के यहाँ पहुंचना है। क्या कहेंगे आप लोग भी, आप लोग भी कुछ कहिए, क्या क्या समस्या है, काहे के लिए इतना लोग जुटे हैं भीड़ में। आइए आइए इधर आइए, थोड़ा बताइए काहे के लिए आए थे यहाँ आप लोग, क्या दिक्कत था, आइएगा काहे के लिए यहाँ आए थे। हम लोग यहाँ आए थे, मेरे जमीन में है, काफी दिन हम खुद चलाए, रक्षक के काम किए, लेकिन नया जो वार्ड है हमको पैसा नहीं दिया, परेशान किया। प्रखंड में जाने के बाद बीडीओ साहब कहते हैं बीवीआर से भेंट कीजिए, बीवीआर कहते हैं कि अच्छा दे देगा, इसीलिए हम लोग जिला में आए हुए हैं। काफी संख्या में आए हुए, काफी संख्या में सभी प्रखंड के लोग यहाँ वार्ड आए हुए हैं। यहाँ क्या बोले हैं डीएम साहब? डीएम साहब बताए हैं कि जाइए, आप लोग का 1 से 2 दिन में लेटर निकाल दिया जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा आपको, पैसा आ चुका है, घबराने की बात नहीं है। इस तरह का आप लोग कार्रवाई पहले नहीं किए हुए थे, तो जितना संख्या में आज आए हुए हैं, अगर पहले आए होते तो ये काम कब ना हो चुका होता। अच्छा, नल जल चलाने के लिए किसके बोले हैं? वार्ड सदस्य या जमीन? नहीं नहीं, जमींदाता ही रहेगा, जमींदाता ही चलाएगा उसको। जमींदाता के बारे में ऐसा लेटर निर्गत होने वाला है? तो होने वाला है। ठीक है, चलिए और भी कोई आदमी कुछ कहना चाहेंगे अपनी अपनी समस्या? राजू जी, आप बहुत एक्टिव रहते हैं नल जल अनुरक्षक के लिए, ये काफी संख्या में यहाँ मोतिहारी में आए हैं, क्या कैसा क्या लग रहा है, क्या बोले हैं डीएम साहब? सर, जैसे हम लोग पहले जनता दरबार में गए हैं, डीएम साहब जनता दरबार में, तो वहाँ पर पहले हम लोग डीपीआरओ सर से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मेरा आवेदन जो हम लोग आवेदन दिए हैं, जो हम लोग अपने तदरिया ब्लॉक से जो आए हैं सब लमसम 25-30 व्यक्ति, सभी को आवेदन था तो लिए हैं, पढ़े हैं, उसके बाद में बोले हैं कि थोड़ा इसमें समय नहीं है कि आप में एक बजे के बाद में मेरे ऑफिस में भेंट कीजिए। तो 1 बजे के बाद में जब हम लोग ऑफिस में गए हैं तो उनसे बात हुआ है, तो उन्होंने बाई फोन बीपीआरओ सर से बात किए हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर में जिनके ज़मीन में नल जल स्थापित है, टावर स्थापित है, उनका जो पंप ऑपरेटर जो पानी चला रहे हैं उनका 2 दिन के अंदर में भुगतान कीजिए। अगर जो वार्ड सदस्य अगर भुगतान नहीं कर रहा है उसका लिस्ट बना के हमको दीजिए, हम यहाँ से कार्रवाई करेंगे। तो सुन लीजिए, जो वार्ड सदस्य पैसा नहीं देंगे उस वार्ड सदस्य पर कार्रवाई होगा, ऐसा आदेश जो है डीएम साहब और डीपीआरओ साहब ने आदेश किया है। क्या कहेंगे अब आप? हम बस कोई नहीं कहेंगे, 15 तारीख को बाद में बुलाए हैं तभी आएंगे, तो हम कुछ कहेंगे। अरे ये आपका अध्यक्ष नो है? आप ही नो अध्यक्ष है? अध्यक्ष चुप रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। काफी आप प्रयास किए हैं, पटना के मीटिंग में भी आप जो है बस से लेकर पहुंच गए थे, बताइए तो पहले ऐसा न जुनून होना चाहिए। मोतिहारी जिला के पहाड़पुर के है, जब पटना का प्रोग्राम होता हुआ था तो पटना मीटिंग के समय तो हम लोग पूरे आरक्षण किया, घूमे, जमींदाता को निहारा करे, 55 आदमी को बस बांध कर ले गए पटना। अब बताइए कि आप सभी प्रखंड के लोग अगर एक हमको बस लेकर के पटना पहुंच जाइएगा, एक हमको बस लेकर मुजफ्फरपुर पहुंच जाइएगा, तो क्या लगता है कि समस्या का समाधान नहीं होगा? पंचायत मंत्री लेटर निकालेंगे और समस्या के समाधान भी करेंगे। चलिए एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए, अनुरक्षक संघ, अनुरक्षक संघ, अनुरक्षक संघ, अपना अधिकार, अपना अधिकार, जमींदाता का यही है नारा, नल जल पर जमींदाता का यही है नारा, जमींदाता का यही है नारा, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे,